नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, इस समय हम आपको लेकर के चले हैं खेती किसानी के लिए। पराली प्रबंधन एक विषय है आज का हमारा। इसमें हम आपको बताएंगे कि पराली का जो प्रबंधन किस तरह से किया जा रहा है। एक और जहां किसानों ने पहले कई साल तक आग लगाई है और जो ये धान का कचरा है उसको, जो बाकी का नीचे बचता है उसे आग लगा दी जाती थी ताकि इसमें साफ सफाई हो सके और अगली फसल को अच्छे से बीजा जा सके। लेकिन दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से कंपनियों ने अलग अलग मशीनें ईजाद की है और उसी के ज़रिए इसका प्रबंधन भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे जागरूक किसान हैं जिन्होंने मशीनें ले रखी है, सरकार इस पर 50% से लेकर के और 90% तक सब्सिडी भी देती है और इसी के तहत ये मशीन आप देख सकते हैं, ये पराली प्रबंधन के लिए है और गांठे तैयार करेगी। और ये वाहन आप देख सकते हैं, इसमें इन गांठों को भरा जाएगा और अलग अलग जगह ठेकेदार द्वारा लेकर के जो है जाएंगे ताकि इसका जो है सही प्रबंधन हो सके, ये पशुओं तक पहुंचाया जा सके। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये मशीन अभी स्टार्ट होने वाली है और ये एक शक्तिमान कंपनी की तरफ से ये ईजाद की गई है और किसानों द्वारा इसमें इसका पराली प्रबंधन के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पर इसको जो है गांठे तैयार किए जाएंगे। अभी रनिंग में ये मशीन है और इसे पूरी तैयारी के साथ शुरू किया गया है। अभी आप ये कचरा देख सकते हैं, इस कचरे को एकत्र किया गया है और इस पे अभी ये मशीन चलाई जाएगी। इसमें अलग अलग इक्विपमेंट से पूरी तरह से ये लैस है, आप देख सकते हैं। चलने के बाद गांठ बनकर तैयार है और ये गांठ बाहर भी आ रही है। ये वो कचरा था, ये देखिए इस कचरे का जो ये पूरी तरह से गांठ बनकर के तैयार है और इसे बाहर निकाला जाएगा बाद में। और इसके अलावा जो 47 हैं वो आपके सामने देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयार की गई है। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, पंचाली की तरह ये काम करता है। ये जो कचरा आप देख सकते हैं, इस कचरे को इस मशीन के द्वारा उठाया जा रहा है और पूरा व्यवस्थित ढंग से, ये आप देख सकते हैं ट्रैक्टर से वीडियो के जरिए पूरा ट्रैक्टर प्रणाली से जुड़ा हुआ है और लगातार इस कचरे को उठा करके और पूरी अच्छे से व्यवस्थित जो है इस मशीन द्वारा किया जा रहा है।
अभी प्रबंध किया गया है इसको बढ़ाने के लिए, गांठ को लंबी की जा सके। ये देखिए धीरे धीरे जो है अपने आप इससे एक प्रेशर, निश्चित प्रेशर जो है वो इस पर बनाया जाएगा और इसी से बाहर जो है ये आएगी। ये देखिए बंडल बनाए जा रहे हैं और इन बंडलों को अलग अलग जगह पर निकाला जा रहा है, या अपने आप मशीन जो है गिराती चली जाएगी। बहुत ही बेहतरीन मशीन है दोस्तों, इसे पूरी जो पराली है ये लगभग यहाँ से 15 से 20 एकड़ में जो पराली की जो गांठें हैं वो तैयार की जाएंगी। इन्होंने ये पहली बार मशीन खरीदी है ताकि इसका उपयोग किया जा सके और यहाँ ये डेमो के तौर पे ये फिलहाल इन्होंने लगाई है। ये देखिए जो गांठें बनाई गई थी पहले छोटी डाल रही थी, लेकिन अब इन गांठों का आकार आप देख सकते हैं, पूरी तरह से जो है सफाई, बिल्कुल साफ सफाई से इनको काटा गया है। ये देखिए ये धागे का इस्तेमाल यहाँ बीच में ये किया जा रहा है ताकि इसको बांधने के लिए, और एक प्रेस की तरह जो है ये मशीन प्रयोग की जा रही है। पहले ये 2 फीट का था, अब इसे 2.5 फीट से 3 फीट तक बढ़ा दिया गया है।